नमस्कार, स्वागत है आपका एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज में। पेश है बॉलीवुड की ताजी सुर्खियां। शहनाज गिल सलमान खान की फिल्म भाईजान के जरिए बहुत ही जल्द बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। इस खबर को लेकर वो काफी समय से सुर्खियों में हैं। हाल ही में देखा गया कि शहनाज ने सलमान खान को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। ये देख खबरें आने लगी कि वो अब भाईजान का हिस्सा नहीं है, लेकिन सोर्सेज ने एक मीडिया पोर्टल को बताते हुए स्पष्ट किया है कि ये महज अफवाह है। बीते दिनों खबरें सामने आई थी कि सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन और उनकी पत्नी चारू असोफा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो ये कपल तलाक लेने वाला था। इसी बीच राजीव ने चारू के साथ तस्वीर शेयर की है, जिसे देखकर फैंस कंफ्यूज हो गए हैं। इस तस्वीर के बाद फैंस को लग रहा है कि दोनों के बीच सब ठीक हो गया है। राजीव और चारू की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। डालिए नजर इस पोस्ट पर। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन और आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बायकॉट करने का सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। अब अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म रक्षाबंधन के बायकॉट को लेकर रिएक्शन दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अक्षय ने कहा कि इस तरह की चीजों को महत्व ना देने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक स्वतंत्र देश है और हर किसी को अपने मन का करने की छूट है। भारत के सबसे जाबाज वॉर हीरो और पहले फील्ड मार्शल सेम मणिकुशवाहा की बायोपिक सेम बहादुर में विकी कौशल मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म में सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख भी नजर आएंगी। इस फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म के सेट से कुछ झलकियां सामने आई हैं, जिसमें फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा भी नजर आ रही हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान को हाल ही में उनके बेटे अब्राम और आर्यन के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलते देखा गया। इस दौरान उनके एक फैन ने उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उनका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान अपने पापा को प्रोटेक्ट करते नजर आए। आर्यन खान का ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आया है और वो उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। शाहरुख खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.